इस वीडियो में आप फ्यूचर की कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाओगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, यहाँ पर दोस्तों इजराइल ने रोबोटिक टैंक बना है जो कि ऑटोमेटिक किसी भी दुश्मन के हथियार को, चाहे वो एयरक्राफ्ट या टैंक हो, उसको खत्म कर सकता है। उसको चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली किसी भी जगह पर जा सकता है और दुश्मन के हथियार को खत्म कर सकता है। ये जो टैंक है वो चाहे रात या दिन या किसी भी वेदर कंडीशन हो वो अपना काम कर सकता है, जिसका नाम है मीडियम रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल या MRCV। और ये जो सारे सिस्टम को आयरन बीम बोलते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। यार आप सब वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से कर दो यार, मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलेगा। नंबर 2, यहाँ दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसा जेल बनाया है जो कि हार्ट डैमेज को हील कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब किसी को भी हार्ट अटैक आता है और वो बच गया तो फिर भी हार्ट को कुछ डैमेज हो जाता है, तो उसी हार्ट डैमेज को ठीक करने के लिए इस जेल को बनाया है। ये जो जेल है वो आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि आपकी हार्ट की न्यू टिश्यू ग्रो होना चालू हो जाएगा, जिससे कि वो ठीक हो सकता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए डैमेज ही रहता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नंबर 3, यहाँ दोस्तों आप सभी जानते हो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नेचर के लिए कितना हानिकारक है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा न्यू डिवाइस या मशीन बनाया है जो कि हमारी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे पंखे हैं जो कि हवा को खींचकर उसको फिल्टर करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड को निकल सकता है। ये जो डिवाइस है वो पर ईयर 4000 टन CO2 को निकल सकता है। उनका एम है कि 2023 तक उसको 10 टाइम ज्यादा कर देने की और 2027 तक 500,000 टन और 2030 में 381 बिलियन मेट्रिक टन CO2 को निकालने की। अगर रियल में ऐसा हो जाएगा तो आने वाले टाइम में CO2 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नंबर 4, यहाँ पर दोस्तों जितने भी टर्बाइन है वो हमको नेचुरल एनर्जी देता है जो कि हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग विंड आता है तो वो ज्यादातर टूट जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की रिसर्चर्स ने एक ऐसा न्यू टर्बाइन बनाया है जो कि स्ट्रॉन्ग विंड से भी नहीं टूटेगा, जो कि पाम ट्री से इंस्पायर है, क्योंकि पाम ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग विंड को सामना कर सकता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताएं। नंबर 5, यहाँ पर दोस्तों नेदरलैंड बेस्ड स्टार्टअप लाइटियर नाम की एक कंपनी ने लाइटियर 0 नाम की एक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि ये जो कार है वो सोलर पावर से चलेगा। इसकी जो ऊपर के पार्ट को सोलर पैनल से कवर किया जाएगा, जिससे कि इसमें लगे बैटरी चार्ज हो सकता है। ये जो कार है वो 174 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप इस कार को एक बार फुल चार्ज कर देंगे तो वो 1100 किलोमीटर तक जा सकता है, जिसका स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ये गाड़ी ले लोगे तो आपको ना पेट्रोल की टेंशन ना करंट बिल की टेंशन, बस ये सनलाइट से चलेगा, जिसका प्राइस है 2 करोड़। अगर ये कार इंडिया में आएगी तो क्या आप खरीदोगे कमेंट करके बताओ। और फ्यूचर में इस तरह का न्यू टेक्नोलॉजी आने वाला है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इन वीडियो में किसी को क्लिक कर और मजा लो।